नहीं और किया। जी बाबा जी, इस मंदिर के बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो इतना कहना चाहेंगे जी कि वो महाकाली नागेश्वरी माता का मंदिर है जी, और यहाँ पर आए हुए भक्तों की मुराद पूरी करती है माता, और माता के दर्शन भक्तों को नाग रूप में होते रहते हैं जी यहाँ पर, और भगत सेवक आते जाते रहते हैं जी, और यहाँ हर संडे को भंडारा भी रहता है जी, और बाकी संगत आती जाती रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं जी। जो लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं मंदिर के बारे में, मगर वो भी धीरे धीरे लोग जानने लग गए हैं, तो जी भगत सेवक आते रहते हैं दर्शनों के लिए, और भोजन भंडारा भी संडे को चलता है जी यहाँ पर, संडे को काफ़ी संगत आती है जी। जी एक समय हम की बात बताते हैं आपको, मंदिर की आँखों देखी ये बात है, हम 4-5 भगत सेवक आरती पूजा कर रहे थे, सायंकाल का समय था, उस वक्त माता जी ने मंदिर में से स्वयं ही प्रकट हो गई, और प्रकट होकर बाहर माता जी निकल गई, सब लोग घबरा गए माता जी के रूप को देख के, और हम आरती कर रहे थे जी, तो हमने सबको कहा जी आपने अपनी जगह से हिलना नहीं, कोई अपनी अपनी जगह पे खड़े रहना जी, तो माता जी कुछ कहेगी नहीं है, माता जी चली जाएंगी दर्शन करके, तो जी बिल्कुल हम लोग आरती उरती करने लग गए जी, माता जी वहीं रहीं जी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा देखे तो हम दरवाजे की तरफ देखे माता जी जा रही हैं, तो हम लोग आरती पूजा ख़त्म हो गई जी, 10 मिनट लगा होगा आरती में जी हमारे, 10 मिनट के बाद देखा तो माता जी के दर्शन ही नहीं हुए जी, लापता हो गई माता जी, सभी भगत लोग चंकित रह गए जी, तो माता हम महाकाली माता नाग के रूप में दर्शन भक्तों को देती रहती है जी। जी सभी भक्तों से और सब जम्मू वासियों से हमारा निवेदन है कि वो महाकाली श्री नागेश्वरी माता के मंदिर में आएँ, और हम मत्था टेकें और अपनी मनोइच्छा मुराद पूरी करें, ये माँ नागेश्वरी है, भक्तों की मुराद पूरी करती है, पास में है ओम महाकाली श्री नागेश्वरी माता मंदिर।